तात्पर्य है कि हमारे जो 20-22 साल हो गए लोगों कच्चे कर्मचारी हैं, उन्हें कच्चे से पक्का कराने के लिए, और उनका बाकी का रुका हुआ एरियल्स, ये सरकारें जो घूंगी बहरी सरकार है, हम उन सरकारों का कान खोलना चाहते हैं जो घूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है, जो मौजूदा सरकार है, हम ये बता देना चाहते हैं उन सरकारों को कि जो आदमी 20 साल पहले लगा हुआ था, आज उसके बच्चे जवान हो गए हैं, आज वो खुद आदमी बूढ़ा हो गया है और आज तक उसे कच्चे से पक्का नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कारण कि एक दलित समाज के लोग हैं, तो इस वजह से शायद ये गूंगी बहरी सरकारें हमारी बात को नहीं मान रहे हैं और इसीलिए अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बचते हैं, ये लोग बच रहे हैं जो इन लोगों ने वादे किए थे। इन लोगों ने वादे किए थे निगम को, पूरे निगम को एक कर देंगे, तीनों दिल्ली नगर निगम को, और जितनी भी इनकी वंचित पड़ी मांगे डिमांड है उनको पूरा करेंगे। आज अगर हमारा समय आया, आज हमारा अगर दलित समाज इकट्ठा हुआ है तो ये अपनी कुर्सियां छोड़ के भाग जाते हैं क्या? ये मैं इनसे इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्या इनको दोबारा कुर्सी पे हम लोग बिठा सकते हैं? दिल्ली में 65 लाख सफाई कर्मचारी है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली का 65 लाख सफाई कर्मचारी इनको कुर्सी पे बिठा सकता है तो कुर्सी से गिरा भी सकता है। देखिए मैं ये भी बता दूं कि आज हमारा समाज वो नहीं है कि पोवे या बोतलें बिकने वाला नहीं है, और ये उनके कान खोल के सुन ले कि ये दलित समाज आज पढ़ा लिखा समाज है, आज ये पोवे में बिकने वाले नहीं है, और दिल्ली का 65 लाख दलित समाज जो बाल्मीकि समाज है वो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेगा और उसका जय हिंद करेगा जो इनके साथ खड़ा हुआ है। ये पाखंडी लोग इसी बात को करते कह के हमारे दलित समाज को पीछे जो लाया जा रहा है, और मैं इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है और बिल्कुल अच्छी तरह से याद दिलाया हमें कि हम उसकी निंदा करते हैं, और मैं इसे आह्वान करता हूँ कि अगर दलित समाज आज एक है, एक रहेगा, और हम इन्हीं का बहिष्कार करेंगे आने वाले टाइम में, कि मंदिरों में अगर ये बैठे हुए हैं तो दलित समाज की वजह से बैठे हैं। दलित समाज सफाई कर्मचारी वहाँ मंदिर में जाकर के भी सफाई करता है, तो हम भी इनका बहिष्कार करते हैं, दलित समाज इनका बहिष्कार करता है। मैं अपने समस्त दिल्ली के और दिल्ली से जो बाहर राज्य है, मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि इन पाखंडियों के लिए मैं आज इस मंच के माध्यम से ये एक आगाज करता हूं और एक अपील करता हूं कि जितनी सफाई व्यवस्था है वो सारे के सारे लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, मैं उनसे अपील करता हूँ कि जितने भी वहाँ के लोग सफाई कर्मचारी हैं वो सारे के सारे इस सफाई व्यवस्था को ठप कर दें, और ये सफाई व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये हमारे स्वच्छ भारत अपना रहे हैं, और मैं जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, मैं सभी डिपार्टमेंटों से विनती करूंगा, अपील करूंगा कि वो लोग अपने अपने काम बंद कर दें और इन मजदूरों के साथ, हमारे साथ आकर के मिलकर काम करें।